नमस्कार मित्रों, एकम पांच स्वराज की नींव। एकम के अंदर हमने पहले टास्क के अंदर देखा था कि डेढ़ाव सिंह की खालसा नीति के कारण झांसी ग्वालियर कालपी अंग्रेजों के आगे चले जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वापस लेने का जितना प्रयास करती है उतना ही वह दूर जाता है। वह कहती है कि रास्ते में हिमालय अड़ जाता है, हिमालय को पार करती हूँ तो महासागर आ जाता है और महासागर को पार करती हूँ तो नाभि छू जाता है। कहने का मतलब उसके सारे साथी भोग विलास में डूबे हुए हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं, जिसके कारण स्वराज लेना मुश्किल है। लक्ष्मी ने निर्णय किया था कि मेरी झांसी में नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी वह बचा सकी नहीं, इसलिए एन के प्रकार से वह झांसी को फिर से वापस लेने का प्रयास करती है। वह निराश नहीं होती। जूही ने भी कहा था कि तुम तो गीता पढ़ती हो, तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि चाहे मैं अकेली हूं लेकिन मैं अकेली भी झांसी लेकर रहूं। और फिर आगे भी बताती है कि गंगादास ने कहा था कि जब तक ऊंच नीच के भेदभाव हैं, छूत अछूत के भेदभाव हैं और हमारे अंदर भोग विलासिता में हमारे साथी डूबे हैं, तब तक हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते नहीं। स्वराज्य प्राप्त करना है तो सत्य कर्तव्य निष्ठा बलिदान से हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जूही अरे रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे पास सब साधन संपन्न ग्वालियर का किला, तैंत्या टोपी जैसा महान सेनापति, यह सब हमारे पास है, लेकिन फिर न जाने हमें क्यों सफलता असफलता मिलती। यहां तक हमने देखा था, हम देखे आगे। जानती हूं महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती। जूही कहती है रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई से कहते हुए कहती है कि मैं जानती हूं कि हम विलासिता में डूब गए हैं। और ऐसी लक्ष्मीबाई से बातचीत चलती थी उसी समय उसकी दूसरी सखी जो मुंदर है वह प्रवेश करती। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। अब मुंदर कहती है जूही से कि कौन कहता है हम विलासिता में डूबे, कौन कहता है भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। हम विलासिता में डूबे नहीं, विलासिता में तो हमारा राजा राव साहब और हमारा सेनापति जो तात्या तोपे हैं वह विलासिता में डूबे हैं, हम विलासिता में डूबे नहीं है। जूही सहसा, नहीं मुंदर सेनापति नहीं। देखे यहां जूही सेनापति तात्या टोपे का पक्ष लेती है और वह कहती है कि नहीं, तात्या टोपे नहीं, हमारा सेनापति विलासिता में नहीं डूबा। मुंदर मुस्कुराती है, हंसती है और समझी, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। मैं समझती हूं कि तू तात्या टोपे का ही पक्ष लेगी। देखिए पक्ष लेना, तरफदारी करना, मैं जानती हूं कि तू खुद तात्या का पक्ष लोगी, तू तात्या की तरफदारी करेगी। जो ही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। देखिए तथ्य सत्य। जूही ने मुंदर से कहा कि मैं तात्या का पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य बाबत है वह सत्य बाबत को हम छुपाए भी हम बाबत छुपती नहीं, और जो सत्य हकीकत है, जो सत्य बाबत है वह तो हमें कहना ही चाहिए।
तो तात्या भोग विलास में डूबा नहीं, यह बात सच्ची बात है। सरदार तात्या राम साहब को अपना तन मन का स्वामी मानता है कि तात्या करे भी तो क्या करे। तात्या राम साहब को अपना तन मन का स्वामी मानता है। स्वामी मतलब मालिक, स्वामी मालिक, और स्वामी का हिंदू होता है सेवक। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, स्वामी का हिंदू होता है सेवक। कि तात्या करे भी तो क्या करे, क्योंकि तात्या है वह राव साहब को अपना स्वामी मानता है, अपना मालिक मानता है। इसलिए राव साहब जो कहे वह तात्या को करना पड़ता। मुंदर, और तुम उसको अपना स्वामी नहीं मानती। मुंदर कहती, और तू, क्या तुम तात्या को अपना स्वामी नहीं मानती। हां मैं उसको अपना स्वामी मानती हूं। जुही ने कहा कि हां मैं भी तात्या को अपना स्वामी मानती हूं, और मानती रहूंगी, मानती भी हूं और मानती रहूंगी भी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूं। तात्या को मैं स्वामी मानती हूं, तात्या के मैं मान सम्मान रखती हूं, लेकिन तात्या से अधिक स्वामी तो मेरा कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, मैं उसका अधिक मान सम्मान रखती हूं, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानू, और महारानी से भी बढ़कर या देश मेरा स्वामी, पहले देश फिर महारानी और फिर तात्या। तो मेरे लिए मेरा देश ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा देश ही मेरा सब कुछ है, मेरा स्वराज्य ही मेरा सब कुछ है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी, के देश के लिए मैं सब कुछ ठुकरा सकती हूँ। चाहे तात्या को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, तो तात्या को भी मैं अपने देश के लिए ठुकरा सकती, क्योंकि देश को मैं प्रथम प्राधान्य देती हूँ। देख ले, ठुकरा देना और ठुकरा देने का अर्थ है तिरस्कार कर देना। क्या? तिरस्कार कर देना। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, और मैंने एक दो बार तात्या टोपे को भी ठुकरा दिया है, उसका भी मैंने तिरस्कार किया। मुंदर, जुही तू नाराज हो गई, नाराज तू निरस। मुंदर ने कहा कि मेरी थोड़ी सी बात से तू नाखुश हो गई, तुझे बुरा लगा, तू निराश हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर ने कहा कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि तुझे निराश कर दिया जाए, लेकिन मेरा कहने का वास्तविक अर्थ तो यही था कि अगर जो तू तात्या को अपना स्वामी मानती हो तो तू तात्या को रोकती क्या नहीं। तात्या भी राव साहब के हाथे रंगे, वह भी राव साहब की हा में हा करते हैं, वे भी भूख विलास में डूबते हैं, तो ऐसा कार्य करने से तू तात्या को रोकती क्यों नहीं। क्योंकि तू तात्या को करती तो तात्या तेरी बात डाल सकता नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूं जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए तो उसने उसको बुरी तरह धुमका दिया। लक्ष्मीबाई ने जूही का पक्ष लेते हुए कहा कि मुंदर, जूही ने तात्या को रोका है। एक समय था जब राव साहब भोग विलास में डूबे हुए थे, और उसी समय मुजरा करने के लिए तात्या टोपे को यहां जूही से बुलाने के लिए भेजा था। जूही एक अच्छी नर्तकी भी है, अच्छा नाच भी करती है, इसलिए आमोद प्रमोद करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए राव साहब ने तात्या को भेजा था कि जा तू जूही को बुला ला, और जूही हमारे सामने नाच करेगी, हम सब शराब पीकर आमोद प्रमोद करके उसका नाच देखकर हम खुश होंगे, और इसलिए तात्या को बुलाने भेजा था। लेकिन उसी समय जूही ने तात्या को धुतकार दिया।
था दूध का। तिरस्कार करना, तो उसी समय जूही ने तात्या को मना कर दिया था। तात्या के साथ गई नहीं थी, तात्या को अकेले ही वापस भेजा था जूही। हां रानी, मैं स्वराज्य के लिए ना सकती हूं, बराबर नाचती रही हूं, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले फांसी नहीं बनना सकती। जूही ने भी कहा, रानी से कहा कि हां मैं अपने देश के लिए नाच सकती हूं, स्वराज्य प्राप्ति के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन ऐसे भोग विलास में डूबे हुए लोगों के आमोद प्रमोद के लिए नाच सकती नहीं, और उसके सामने नाचकर मैं अपनी कला का गला गले में फंदा डाल सकती नहीं, मैं ऐसे कार्य में नाच सकती नहीं। जो मुझसे ऐसा करने के लिए कहते हैं इनको मैं ठोकर ही मार सकती, और कोई व्यक्ति मुझे ऐसा करने के लिए कहे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरी कला का उपयोग करने के लिए कहे तो भला मैं उसको ठुकरा देती हूँ, फिर चाहे वह राव साहब हो या चाहे जिसको मैं स्वामी मानती हूँ वह तात्या खुद हो। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, निश्वास लंबा श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हुई, यही तो दर्द तो हमें कचोट रहा है कि हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, हम उसको दूर नहीं कर सकते, हम उसको ठोकर मार सकते नहीं, वही तो हमारा दर्द है और वही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या, अगर हम उनको ठोकर मारकर उनकी मदहोशी दूर कर सकते, उसकी नींद हराम कर सकते, उसकी नींद उड़ा सकते तो और क्या बात थी, लेकिन हमारे हाथ हमारी भूख ऐसा करने से मजबूर हैं, हम ऐसा काम कर सकते नहीं। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए मैं ठोकर मारने को तैयार। जूही कहती कि मैं दूसरे की बात नहीं सोचती, मैं तो अपने बारे में कहूं, अगर आप जो मुझे आज्ञा देती हो तो मैं इन सभी को ठोकर मारने के लिए तैयार हूं, उन सभी का तिरस्कार करने के लिए तैयार। मुंदर, और मैं भी तैयार हूं भाई साहब, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम करते। मुंदर ने कहा जूही से कि मैं भी तैयार हूं, हम दोनों भी तैयार हैं, चलो हम तीनों मिलकर जाए और उसकी नींद हराम कर दे। देखिए नींद हराम करना ये भी कुमार है, नींद हराम करना गहरी चिंता में डालना, चलो हम तीनों साथ पर मिल जाए और उसकी नींद हराम कर दे, उसे गहरी चिंता में डाल दे, उसका सोना उसके भोग विलासिता को उड़ा दे। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर, नहीं हम उसकी नींद हराम नहीं कर सकते। लक्ष्मीबाई बोलती है कि मुंदर नहीं, हम ऐसी प्रकार आवेश में आकर उन लोगों की नींद हराम कर सकते नहीं, अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनकी नींद हराम कर सकती है या नींद से जगा सकती है, हम नहीं। जूही हे मुंदर, अब तो दुश्मन की ठोकर ही इसकी नींद उड़ाएगी, हम उसकी नींद उड़ा सकते नहीं। जूही दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या करें कि दुश्मन, भला दुश्मन की ठोकर वह कैसे उसकी नींद उड़ा सकती है। लक्ष्मीबाई हां जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, हमारे मन में चाहे कुछ भी हो लेकिन राव साहब, तात्या, तुम, हम
सब एक दूसरे के मित्र हैं, और मित्र के पास अगर ऐसी अविश्वास की बात खड़ी हो जाए तो हमारे बीच में शंका के कारण एक बड़ी खाई पैदा होती है। खाई मतलब दूरी। पहले के समय में राजा जो होते वह अपने किले के आसपास ऐसी खाई बनवाते थे जिसके अंदर पानी भरते थे, क्योंकि दुश्मन या किले के अंदर प्रवेश कर सके नहीं। तो इसी प्रकार हमारे और उसके बीच में एक खाई पैदा हो सकती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? कि क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से जानते हैं? हम एक दूसरे को एक दूसरे के निकट के साथी मानते हैं, मित्र मानते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की खटा और भी गहरी नहीं हो जाएगी? और ऐसे समय में अगर मैं राम साहब को या तात्या से कुछ कहने के लिए जाऊं नहीं तो हमारे और उसके बीच में एक प्रकार का दूरी का भाव पैदा हो जाएगा, अविश्वास की खाई पैदा हो जाएगी। मुंदर भाई साहब ठीक कहती है। मुंदर जी से कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई सही कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी। अविश्वास का विद्योग विश्वास के शंका के कारण आपस आपस में अविश्वास पैदा हो जाएगा, और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी, और फिर भी राव साहब और तात्या के अंदर अविश्वास पैदा हो जाएगा नहीं तो वह अविश्वास के कारण वे नाच गान के पीछे भोग विलास में और अधिक डूब जाएंगे, नशे में चकना चूर हो जाएंगे। सहसा कई दूर तोपों की स्वर उठता है और ऐसी बातचीत चलती है, उसी समय कहीं दूर तोपों की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई और चूही को अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहां आने के लिए कर। तोपों की आवाज सुनाई दी, मालूम हुआ कि हमारी सेना युद्ध करने के लिए सज्ज हो रही। इसलिए रानी ने चूही से कहा कि तू तात्या को कहीं से भी खोज ला और उसे यही आने के लिए। जूही खोज क्या नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाता से खींच कर ला सकती। क्या आप आज्ञा दो नहीं तो तात्या पाता में भी छुपाए तो अभी मैं उसको ढूंढ ला सकती। देखिए पाताल से भी ढूंढ कर लाना एक मुहावरा है, किसी इच्छित चीज वस्तु को कहीं से भी ढूंढ कर लाना। क्या इच्छित चीज वस्तु को कहीं से भी ढूंढ कर लाना उसको मतलब है पाताल से खींच कर लाना। जाने को मूर्ति हैं और रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते, जो ही तात्या को खोजने के लिए यहां से निकलती हैं, और इतने में रघुनाथ राव वह मंच पर उपस्थित होते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना कोई संदेश सुना रहे, इसलिए वो महारानी से कहते कि महारानी क्या आपने नई बात हुई, जो नई बात सुनी? महारानी बिल्कुल अनजान थी इसलिए उसे जवाब दिया कि क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज कौन था? तो अंग्रेज सेना का सेनापति। तो अंग्रेज सेना के सेनापति रोज ने अपनी सेना सहित पेशवा पर आक्रमण किया है और पेशवा की इसके अंदर हार हो गई। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना की हार हो गई? जूही डर गई और वह कांपती हुई बोली, क्या हमारे पेशवा की हार हो गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई हंस पड़ी, खुशी हुई और खुश होते हुए बोली कि पेशवा की सेना हार गई यह तो अच्छा हुआ।
अब पेशवा की आंखें खुलेगी, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। देखिए मुहावरा है, आंखें खुलना सत्य परिस्थिति समझ में आना, सत्य हकीकत से वाकिफ होना, आंखें खुलना मतलब सत्य परिस्थिति का भान होना कि अच्छा हुआ पेशवा की सेना हार गई, अब पेशवा की नींद उड़ेगी। और सत्य हकीकत क्या है, सत्य बाबत क्या है, वह उसको पता चलेगा। रघुनाथ अपनी सेना की तैयारी होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं जीत सकेगा। और फिर रानी लक्ष्मीबाई रघुनाथ से आज्ञा देती है कि अपनी सेना को तैयार करो कुछ करने के लिए, अंग्रेज सेना के सामने लड़ने के लिए तैयार करो। अंग्रेज सेना ग्वालियर के किले तक पहुंचना चाहिए नहीं। तो मित्रों यह दूसरा दास हम यहां तक रखते हैं, आगे तीसरे दास में हम देखेंगे। नमस्कार।